Hello everyone. Today I'm going to start a new subject, heat transfer. So let us discuss the basics of heat transfer. So हमारा जो heat transfer होता है, जो heat होता है, कैसे transfer होता है, कौन से माध्यम में transfer होता है, and ये heat transfer subject thermodynamic subject से कैसे related है. तो thermodynamic subject में क्या होता है आपका? ये जो subject है, इसमें हम calculate करते हैं कितना heat हमें मिलता है, how much heat is generated. But if you talk about heat transfer, हम यहाँ पे क्या calculate करते हैं? Per second, एक second में कितना heat हमें मिल रहा है? यहाँ पे TD में हमें क्या है? Thermodynamics में joule मिलता है, कितना heat हमें मिल रहा है? मगर यहाँ पे per second में कितना joule का heat हमें मिल रहा है? This is the difference between thermodynamics and heat transfer. हम अब क्या करेंगे? हम अब बात करते हैं. हीट ट्रांसफर कैसे हो सकता है? हमारे पास तीन माध्यम है, कैसे एक बॉडी से और एक बॉडी को हीट ट्रांसफर हो सकता है, कोई माध्यम चाहिए या कोई माध्यम नहीं चाहिए. तो हम अभी डिस्कस करते हैं कौन से माध्यम से हीट ट्रांसफर हो सकता है. एक है हमारा कंडक्शन, एक है हमारा कंडक्शन कंडक्शन प्रोसेस. चूंकि कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, मेनली एक सॉलिड में हमारा हीट ट्रांसफर होता है. मान लीजिए मैंने एक मेटल लिया यहाँ पे, सो दिस इज द सोर्स ऑफ हीट, यहाँ पे मैंने आग दिया, तो आग देने से क्या होता है, रिमेम्बर दिस इज मेटल, यहाँ से हमारा हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. एंड व्हाट इज द रीजन दैट हम यहाँ पे आग देने पे और एक साइड कैसे हीट ट्रांसफर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, यू नीड टू रिमेम्बर टू पॉइंट्स, यू नीड टू रिमेम्बर. वन इज यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का मूव होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और एक होता है लैटिस का वाइब्रेशन. ये दोनों जो रीजन है, इसके वजह से एक एंड से और एक एंड तक हमारा हीट ट्रांसफर होता है, मेनली ड्यू टू सॉलिड. अच्छा, तो कंडक्शन के बारे में हमें इतना पता लगा कि हम जब कोई भी वस्तु में मेटल पर्टिकुलरली लेते हैं, एक एंड में हम हीट देते हैं, हायर साइड से लोअर साइड में हमारा हीट ट्रांसफर होता रहता है. और सबसे हाईएस्ट हम एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज यूनिटेड एज के. इसका यूनिट क्या है? वाट पर मीटर केल्विन यूनिट है. तो ये के क्या है? ये एक बॉडी का थर्मोफिजिकल फेनोमेना है और थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है, जिससे हम पता लगा सकते हैं एक बॉडी के अंदर, एक मेटल में, इस मेटल में कितना फास्ट हीट हमारा मूव करेगा, और कितना फास्ट, यहाँ पे मैंने हीट जब ऐड किया यहाँ से यहाँ जाने के लिए, कितना फास्ट वो हीट को ऑब्जर्व करके कितना फास्ट मूव कर सकता है. तो सबसे ज्यादा हम अभी बात कर सकते हैं सिल्वर के बारे में बात कर सकते हैं, दैट इज नियर अबाउट 410 वाट पर मीटर केल्विन. देन हम बात कर सकते हैं कॉपर, दिस इज अराउंड 305 वाट पर मीटर केल्विन. देन हम बात कर सकते हैं एल्युमिनियम के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, व्हाट इज व्हाई एल्युमिनियम, दिस इज अ इंजीनियरिंग मटेरियल, एल्युमिनियम इज अ इंजीनियरिंग मटेरियल, व्हाई दिस इज इंजीनियरिंग मटेरियल आई विल लेट यू नो. सो दिस इज अराउंड 200 वाट पर मीटर केल्विन. सो एल्युमिनियम हम इंजीनियरिंग मटेरियल में आप देखे होंगे, सॉ में प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, या फिर कोई भी सब्जेक्ट में जाइए, एल्युमिनियम हमारा एक इंजीनियरिंग मटेरियल है. हम उसे इंजीनियरिंग मटेरियल क्यों बोलते हैं? इसमें क्या होता है, इसका जो डेंसिटी रहता है कम रहता है, एंड इसका स्ट्रेंथ बहुत ही लाइक हाई रहता है. तो दिस इज द रीजन हम एल्युमिनियम को चूज करते हैं एक इंजीनियरिंग, दैट कैन बी वर्क, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं. सो दीज आर द रीजन एंड why aluminium is called as engineering material. Now let us talk about convection. Convection क्या होता है? जैसे हम अभी बात की convection में एक solid में particularly एक metal हम लेते हैं, तो heat हमारा transfer होता है एक end से other end due to two reasons. One reason is lattice vibration, other is free electron transfer. Now,
कन्वेक्शन में हमारा क्या होता है, दो तरीके का होता है। पहले हम बात करते हैं कन्वेक्शन है क्या। कन्वेक्शन इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इसमें एक माध्यम है जिसके थ्रू से हीट हमारा फ्लो कर सकता है। यहाँ पे एक माध्यम चाहिए, क्या माध्यम चाहिए, यहाँ पे एक हॉट प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे जो हॉट प्लेट है ये हमारा एयर है, तो ये एक है एयर है, ये एक माध्यम है। बिना माध्यम से हीट यहाँ पे हमारा फ्लो नहीं हो सकता। एक दो तरीका का होता है, एक होता है हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन और एक होता है फ्री कन्वेक्शन। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन में क्या होता है, मैंने ये एक बॉडी ले लिया, ये बहुत ही हीट है, इसमें ये एक हॉट प्लेट है, ठीक है, ये हॉट प्लेट है और यहाँ पे हमारा एयर है। यहां से एयर में ये हमारा हीट फ्लो होने के लिए मैंने एक एक्सटर्नल ब्लोअर ऐड किया, ब्लोअर और यू कैन कॉल अस फैन, राइट, एक्सटर्नल फैन। ये जो एक्सटर्नल ब्लोअर ऐड किया मैंने यहाँ पे लगाया, इसके वजह से हॉट प्लेस से जो हीट हमारा बाहर चला जाएगा एंड यहाँ का टेम्परेचर जो जितना था ये रिड्यूस होता रहता चलेगा और ये बाहर चला जाएगा। एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फोर्स्ड, बिकॉज दिस इज द एक्सटर्नल फैन हमें यहाँ पे ऐड किए, नेचुरल नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल कुछ मैंने फैन दिया, इसी के वजह से हीट बाहर गया। अब बात करते हैं फ्री के बारे में। फ्री में क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऐड नहीं किया, एक हीट, एक हॉट प्लेट है, मैंने हॉट प्लेट को रख दिया। जब मैंने हॉट प्लेट को रख दिया ऑटोमेटिकली हीट बाहर चला जाएगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं, हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो ये जो हॉट प्लेट है यहाँ से बॉडी से जो हीट होता है बाहर जाता है बिकॉज ऑफ बायोंसी फोर्सेस। ये आप पढ़े होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो बायोंसी के बारे में पढ़े हैं इट इज एप्लीकेबल। तो हॉट प्लेट से जैसे नेचुरली बाहर जा रहा है हीट आपका, हम उसे बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन। सो दीज आर ऑल अबाउट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। लेट अस डिस्कस अबाउट रेडिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, रेडिएशन। तो बच्चों रेडिएशन में क्या होता है, हमें कुछ माध्यम नहीं चाहिए, ये एक ऐसा मोड है आपके ट्रांसफर, हमें कुछ माध्यम नहीं चाहिए। ये हमारा सन है, इसका टेम्परेचर कितना रहता है आइडिया, इट्स 5 feet हमारा टेम्परेचर। सो ये एक माध्यम जो है इसमें कोई मीडियम हमें नहीं चाहिए, एक्सटर्नल कुछ भी नहीं चाहिए। ये एक थ्रू द रेडिएशन में क्या होता है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्रोपगेशन और हम क्या बोल ओएफ प्रोपगेशन। सो रेडिएशन में कैसे हीट ट्रांसफर होता है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओएफ प्रोपगेशन। डोंट आंसर लाइक रेडिएशन, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज द रेडिएशन। थ्रू दैट हियर हमारे सन से हमें रेज भी मिल पाता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए सन ने यहाँ पे एक अब्जॉर्ब प्लेट, अब्जॉर्ब का मतलब है अब्जॉर्ब कर गया हीट को। तो यहाँ से जो यहाँ पे यहाँ तक अब्जॉर्ब प्लेट तक जो आया हीट, हम उसे बोलते हैं रेडिएशन, क्योंकि एक सन से हमें मिला वो जो हीट मिल गया वो मिल गया रेडिएशन। देन हम ये सॉलिड है, ये सॉलिड प्लेट है, सॉलिड बॉडी के अंदर जब हीट ट्रांसफर होता है हम उसे बोलते हैं कंडक्शन। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यानी कि पहले ऊपर वाला हिस्सा जो है वो गर्म होगा, वो धीरे धीरे नीचे ये जो लेवल तक जाता है हम उसे बोलते हैं कंडक्शन। जब बॉडी से बाहर चला जाता है, यहाँ पे और एक माध्यम मिल जाता है मुझे, तो ये जो फ्लूड है हॉट फ्लूड है ये बाहर चला जाता है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। सो रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो ये हमने अभी बात किया क्या क्या मोड होता है, हम हीट ट्रांसफर किससे बोलते हैं एंड ये कैसे रिलेटेड होता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स सर। हम आगे बढ़ेंगे गवर्निंग इक्वेशन ऑफ ऑल दिस लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना रहता है, थैंक यू।